हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बच्चों के देरी से बोलने के कारण, लक्षण और उसके इलाज के बारे में जानेंगे। बच्चे के जन्म लेने पर जितना पेरेंट्स खुश होते हैं, उतना ही उनके पहली वॉइस को सुनकर भी खुश होते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों को जिस उम्र में जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोलते हैं। बच्चों का देर से बोलना ये पेरेंट्स के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम अपने बच्चे के देर से बोलने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम ये जानेंगे कि बच्चों के बोलने में देरी होने से क्या मतलब होता है। जब बच्चे 6 मंथ्स के होते हैं तो वो आ ऊ करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बच्चे 1 ईयर के हो जाते हैं वो और क्लियर बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे पानी दो, वहाँ जाओ, ये खाना, वो खाना। और जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं तो लगातार सभी सेंटेंस को लगभग बोलने लगते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा जिस एज में जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोल पा रहा है या कम बोल रहा है तो इसे बच्चे के बोलने में देरी कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि बच्चे के देर से बोलने के संकेत क्या हैं या लक्षण क्या हैं। ऐसे कई से लक्षण होते हैं जिन्हें आप देखकर आसानी से देरी से बोलने वाले बच्चों की पहचान कर सकते हैं। ये पहचान एज रिलेटेड माइलस्टोन पर बेस्ड होते हैं। कोई बच्चा जो 3 से 4 महीने का है वो ज्यादा रोता नहीं है, आवाज आने वाली दिशा में मुड़कर देखने का प्रयास नहीं करता, तो ये बच्चे के देरी से बोलने के लक्षण हैं। छोटे बच्चे घर में होने वाले एक्टिविटी को देखते हैं, सुनते और सीखते हैं। अगर कोई बच्चा 1 ईयर का है और वो घर में होने वाले एक्टिविटी या आसपास के होने वाले एक्टिविटी को देखकर सुनकर बोल नहीं पा रहा है तो यह उसमें देरी से बोलने का संकेत हो सकता है। अगर कोई बच्चा 2 ईयर्स का है और वह छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर नहीं बोल पा रहा है, जैसे खाना खाना है, सोना है, घूमना है, तो यह उस बच्चे में देरी से बोलने का संकेत है। आइए अब जानते हैं कि बच्चों के अंदर देरी से बोलने के क्या कारण हो सकते हैं। बच्चे के देरी से बोलने का फर्स्ट रीजन है जेनेटिक। अगर फैमिली के किसी मेंबर को ऐसी प्रॉब्लम है तो बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे के देरी से बोलने का सेकेंड रीजन है ब्रेन डैमेज। किसी दुर्घटना की वजह से अगर बच्चे के दिमाग पर चोट लगा है तो यह बच्चे के देरी से बोलने का रीजन हो सकता है। बच्चे के देरी से बोलने का थर्ड रीजन है समय से पहले पैदा होना। अगर बच्चा प्री मेच्योर पैदा होता है, मींस अपने फिक्स टाइम से पहले ही जन्म ले लेता है, तो यह बच्चों में देरी से बोलने का कारण हो सकता है। बच्चों के देरी से बोलने का फोर्थ रीजन है ईयर में इन्फेक्शन, कान का संक्रमण। अगर बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो जाए तो ये बच्चे के अंदर देरी से बोलने का कारण हो सकता है। बच्चे के देरी से बोलने का फिफ्थ रीजन है स्पीच डिसऑर्डर। अगर बच्चे के मुंह के अंदर ऊपर का तालू कटा है तो इसके वजह से भी बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे के देरी से बोलने का सिक्स रीजन है पेरेंट्स द्वारा बोलने के लिए करेज ना करना। जब पेरेंट्स या घर के लोग बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते तो ये भी बच्चे के देरी से बोलने की एक वजह हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि बच्चों के देरी से बोलने का ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है। बच्चों के देरी से बोलने के इलाज के लिए स्पीच थेरेपी कराई जाती है। इसमें सबसे पहले थेरेपिस्ट बच्चों के देरी से बोलने के कारण को जानते हैं, बच्चे कैसे और कितना बोल रहे हैं इसे समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर के साथ साथ हम पेरेंट्स बच्चे के देरी से बोलने के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए घर पर ही कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से एक्टिविटी हैं जिनके थ्रू बच्चे के अंदर देर से बोलने की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। बच्चों को टाइम दे। बच्चों के अंदर लेट बोलने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को टाइम दें, उनसे बातें करें, उनके साथ खेलें।
बच्चे जो भी कहें उसे आप भी बोलें। घर में जो जो चीजें हैं उसका नाम बताकर बच्चों को उसकी पहचान करवाएं। बच्चे की हर उत्सुकता, हर सवाल का जवाब जरूर दें। उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। इनफैक्ट जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हमें उनके साथ बात करना शुरू कर देना चाहिए। एक ही शब्द को बार बार दोहराएं। पहले बच्चे को दो लेटर के वर्ड सिखाएं, जैसे मामा, पापा, चाचा, दादा। इन सारे एक्टिविटी को फॉलो कर आप अपने बच्चे के देरी से बोलने के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होप सो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। पेरेंटिंग केयर पे अगर आपने नया विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।